उठो उठो, यहाँ मत बैठो। क्यों, उन्होंने तो कहा बैठने के लिए। बैठने के लिए कहा था, सोफे पर नहीं। पता है, ये साहब और मेन साहब का सोफा है, हमारी जैसों की तो यहाँ जमीन पे जगह है। आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। अरे नंगे फर्श पे बैठने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कालीन पे बैठने के लिए बोल रही हूँ। शैना मैडम, मेरा जॉब क्या होगा, करना क्या होगा मुझे यहाँ पे? एक्सचेंज वालों ने आपको बताया नहीं, हमें गवर्नेंस चाहिए। हाँ, गवर्नेंस का काम तो बच्चों को पढ़ाना होता है ना। वो तो विदेशों में होता है, अपनी इंडिया में तो गवर्नेंस का काम बच्चे संभालना ही होता है ना। एनीवे, सुनंदा तुम इन्हें काम बता दो। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है साहब, सुबह 9:30-10 बजे घर से चले जाते हैं, बस तुम तभी आ जाओ और अपने टिंकू बाबा को संभालो, उसे नहलाओ धुलाओ, उसे कपड़े पहनाओ, उसकी बोतल बनाओ और फिर टाइम टाइम पे दूध पिलाओ और शाम को पार्क घुमा के लेके आओ, है ना मैम साहब? हाँ, और हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन भी है, तो टिंकू के जो भी कपड़े होंगे तुम उसमें वॉश कर लेना, उसकी दूध की बोतल गर्म पानी में उबालनी होगी। आता है ना तुम्हें ये सब काम? क्या हुआ? मतलब आपको बच्चा संभालने वाली आया चाहिए, गवर्नेंस नहीं। एक ही बात है, जो कह लो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड फॉरेन में रहे, तो उन्हें किसी को आया कहना अच्छा नहीं लगता, वरना काम तो एक ही है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनंदा, ये ऐसी क्यों खड़ी है? इससे पूछो काम कब से शुरू करना है, आज से या कल से? अरे बताती क्यों नहीं मेम साहब को? मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अरे क्यों, लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ। नहीं, कोई परेशानी नहीं मैडम, बस ये जॉब मुझे नहीं सूट करेगा, मैं यहाँ कुछ और ही सोच कर आ गई थी। मैंने दादू, आप यहाँ आओ ना, आप खड़े क्यों, एक सेकंड, चलो कैंटीन में जाके बैठते हैं। मैं यहाँ कैंटीन में बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बात करने आया हूँ, एक जरूरी बात। हाँ जी दादू, क्या बात है? तू खुद जानती है, अपने नाम से सरनेम हटा रही है ना तू, किसकी इजाजत से? तेरा नाम और किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन फुराना खानदान में बेटी बनकर पैदा हुई। तू ये वो पत्थर की लकीर है जिसे तू चाहकर भी नहीं मिटा सकती। किशन चंद खुराना की पोती है तू और पोती रहेगी, चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। किशन चंद खुराना की पोती तो मैं तब भी रहूंगी ना दादू, चाहे मेरा नाम मिन्नी हो या मिन्नी खुराना। आप ही कहते हो ना, रिश्ते दिल से बनते हैं। बस बहसबाजी करा ले कोई तुझसे। अरे परंपरा नाम की भी कोई चीज होती है, तू सिर्फ अशोक की नहीं पूरे खुराना खानदान की बेटी है, वारिस है तू हमारी। वारिस, परिवार, खानदान, परंपरा, दादू यार आप तो इसके बारे में बात मत ही करो। कहाँ गए थे आपके खानदान और परंपरा, जिस दिन आपकी बेटी ने आपकी बहू को धोखा दिया था, और इतना बड़ा धोखा कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही बचा था घर छोड़ने के अलावा। जिस खानदान ने उस 17 साल के रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपनी बहू का साथ नहीं दिया, आज उसी खानदान को अपनी उसी बहू की बेटी चाहिए अपना कहने को। क्यों, क्यों दादू? मैं तेरी बेकार की बातों का और जवाब नहीं दे सकता, बस इतना जानता हूं जिस बच्ची को मैं फक्र से शेर का बच्चा कहता था, आज उसने बहुत दिल दुखाया है हमारा। दुख तो हमें भी बहुत पहुंचा दादू,
निराश तो हम भी बहुत हुए, फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं अपना सरनेम इसलिए चेंज नहीं करवा रही क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ करना है या आपको दुख पहुंचाना है या बदला लेना है, नथिंग। इनफैक्ट मैं पापा जी की वजह से भी अपना सरनेम नहीं चेंज कर रही हूँ। तो फिर क्यों बिन्नी? क्योंकि मेरी बेब्स ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत, ये रिकॉग्निशन डिजर्व करती है। मेरी बेब्स ही मेरी माँ है और वही मेरे पिता। एक तरफ पापा जी थे जो बस गिफ्ट भेज देते थे, पैसे भेज देते थे, सोचते थे कि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, बस यही था एक फादर का रोल उनके लिए। और एक तरफ थी मेरी बेब्स, मेरी माँ, जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो मेरे साथ हंसी, मेरे साथ रोई, मुझे बुखार होता था दिन रात मेरे सराहने बैठती, मेरे एग्जाम्स होते थे वो रात रात भर मेरे साथ जगती, इतना प्यार करती और कभी कभार प्यार से डांटती भी, मेरी एक एक मुस्कुराहट पे मारी जाती, मेरे एक एक आंसू पे वो मरती। मुझे मेरी बेब से पाला है दादू, फिर भी जानी मैं अपने पापा जी के नाम से जाऊं, ये तो अनफेयर है ना दादू, ना इंसाफी है। मेरी बेब जितना तो डिजर्व करती है ना दादू कि उसकी बेटी उसके नाम से जानी जाए। I want to honor my babes, दादू। मैं अपने नाम के आगे उसका नाम जोड़ के उसे वो इंसाफ दिलाना चाहती हूँ जो कभी सोसाइटी ने किसी माँ को दी। आप बोलो दादू, मैं रॉन्ग कर रही हूँ क्या? माँ को इंसाफ दिलाते दिलाते तो हमारे साथ कितनी ना इंसाफी कर रही है मिन्नी। अरे अपने ही खानदान की जग हंसाई करा रही है तू, ये बात तुझे समझ नहीं आती? वाओ दादू, अपनी माँ की इज्जत करने से, उसे रिकॉग्निशन देने से आपके खानदान की जग हंसाई हो जाएगी। ना छोटा आपका खानदान, इतना तंग दिल। छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है हमारा खानदान है। अगर तुझे हमारे खानदान से जुड़ने में इतनी शर्म आ रही है तो ठीक है, जो जी में आए कर, लेकिन इतना याद रखना कि अगर तू खुराना नहीं तो मेरी पोती भी नहीं, पोती भी नहीं। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं पूरा ये सोचकर सब्र कर लूंगा कि पोते पोती का सुख हमारे नसीब में लिखा ही नहीं था। जी छोटा मत कर बबीता, ले पान खाएगी? और तू करती भी तो क्या, पंद्रहवीं पास तूने ये मरी आया की नौकरी करने के लिए थोड़ी की है। अच्छा हुआ, अरे ऐसी नौकरी को तो मुंह पे दे मारना चाहिए। हाँ समझ के क्या रखा है उन लोगों ने तुझे? मुझे ना नौकरी की अर्जी आप ही को देनी चाहिए नेम भी, एक आप ही तो है जो मुझे किसी नौकरी के लायक समझती है। मैं होती ना तो तुझे कलेक्टर बना देती, अरे मजिस्ट्रेट बना देती, प्राइम मिनिस्टर बना देती, प्राइम मिनिस्टर। क्या अब
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से फोन आ रहा है। नहीं, सुना सुना मुझे भी सुना, हो सकता है कोई नई नौकरी दे रहे हो तुझे। हेलो, हाँ जी, हाँ बबीता जी, अरे आज आपको हमने मिस्टर कुकरेजा जी के यहाँ भेजा था और आप वहाँ पे मना करके आ गए। कितने कॉल आ रहे हैं वहाँ से हमें, ये तो गलत बात है। और आप खुद गवर्नेंस जॉब के लिए मान गई थी, तो अब क्या हो गया आपको? अरे नहीं, वो गवर्नेंस की जॉब नहीं थी, वो तो आया की नौकरी थी। अरे गवर्नेंस और आया दोनों एक ही बात है, सैलरी तो अच्छी दे रहे ना। नहीं जी, वो जॉब मुझे नहीं सूट करेगा, मैं नहीं कर सकती वो। अरे कमाल करती हैं आप, हाँ दर्जनों लोग लाइन में खड़े हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही और आपको मिल रही है, तो आप मना कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं जॉब के लिए मना नहीं कर रही हूँ, जॉब तो मुझे करना है, पर ये वाली नहीं करना, कोई और बताइए ना मुझे प्लीज। ठीक है जी, आपकी मर्जी, फिर तो आप इंतजार कीजिए, जब कोई जॉब आएगी आपके लायक तो फिर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। इतना याद रखना कि अगर तू खुराना नहीं तो मेरी पोती भी नहीं, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाय हाय, क्या हुआ? तू आज अकेले अकेले बैठी है, तेरी फ्रेंड वहां खड़ी है। वो कहीं भी खड़ी हो, मुझे क्या, हमारी लड़ाई चल रही है। ओ लड़ाई, यानी तू सिर्फ मुझसे ही नहीं सारी दुनिया से झगड़ती फिरती है। मैं तो अभी अपने को स्पेशल समझ रहा था, तूने यहां अभी हवा निकाल दी। चल मैं तुझे और बोर नहीं करूंगा, तू किताब पढ़। मिकी, तू यहां बैठ सकता है, मैं बोर नहीं होंगी। लुक, आई एम सॉरी, मुझे पता है कभी कभार मैं तुझसे बहुत रूडली बात करती हूँ, पर इट्स जस्ट दैट कि आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। डिस्टर्ब तो तू होगी, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बिना तो तू एकदम अकेली हो गई होगी ना। अकेले अकेले माय फुट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसे क्या लगता है मैं और कोई फ्रेंड्स नहीं बना सकती, और कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या मेरे? तुम बंदियों की फ्रेंडशिप कुछ अलग टाइप की होती होगी ना? होती तो है। चल कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे तुम बंदियां टाइम पास के लिए क्या करते हो? तुम बंदे क्या करते हो? हम तो लड़कियां ताड़ते। हम भी? देख मैंने, तू बंदी तो ठीक है ना, तुम बंदे डिफरेंट रीजन से तारते हो, हम बंदियां डिफरेंट रीजन से तारती हैं। हाँ, तुम बंदियां तो चुगलियां करती हो ना, राइट? चुगलियां नहीं करते, ओके? नहीं, आई मीन करते हैं, बट कभी कभार करते हैं, नॉट एवरी टाइम। तो फिर देर किस बात की, आओ सखी चुगली करें। वो देखो से क्या सूट पहन के आई है,
मतलब कलर कोऑर्डिनेशन तो कुछ है ही नहीं। और उसे देखो, ब्लैक नेल पॉलिश, मतलब ऐसा लगता है चुड़ैल की खानदान से आई है। हाँ, उसे तो देखो, मतलब ये हेयर स्टाइल है या चिड़िया का घोंसला। अरे अरे उसे देख, क्या सैंडल्स पहन के रखे, मैच ही नहीं कर रहे। देखो फैशन तो इतना करके है, मतलब जरा सी भी अकल नहीं है कि कॉलेज में कैसा आना चाहिए। मैं तो पता है, मैं तो कसम से मैं तो बोलता हूँ कॉलेज में सबको तेरे तरह आना चाहिए, एकदम पड़ाकू टाइप से। बोरिंग सी आउटफिट, बोरिंग हेयर स्टाइल, सुंदर सी शक्ल को भी अकली बना के आना चाहिए। बेस्ट है ये, ना कोई लड़का ताड़ेगा ना कोई लड़की, कोई फ्रेंडशिप करने भी नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ सेट है तू, एकदम सेफ। क्या मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया? यार मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था यार। कमाल है। बोरिंग? बोरिंग हूँ मैं? बोरिंग कपड़े पहनती है, बोरिंग हेयर स्टाइल है, स्टाइल ही नहीं है मुझ में। क्या टॉमबॉय? टॉमबॉय की तरह ड्रेसअप होती हूँ क्या मैं? अगली? क्या ऐसे ड्रेसअप होंगी तो कोई लड़की भी फ्रेंडशिप नहीं करेगी मुझसे। क्या मिनी, कौन था हूँ जो सारी बातें बोल रहा था उससे? अरे यार बेब, किसने कही तुझसे सारी बातें? हाँ कौन था? है एक स्टूपिड सा, तू जानती तो है उसे, वो आज नहीं था लोड़ी पर तुझे तिल देने और फिर हैप्पी बिरला से माफी भी मंगवाई थी। अच्छा वो क्या नाम था उसका? हाँ मक्खन, मक्खन ना, मिक्की नाम है उसका। हाँ जो भी मिक्की मक्खन हो, तू भी क्या ना उसकी बातों में आ रही है, एक नंबर का बेवकूफ है वो, अक्कल ही नहीं उसे। तू बोल रही है, तू तो कितनी स्टाइलिश है, कितनी सुंदर है मेरी बेटी। हाँ उसकी आंखें खराब है मिनी। नहीं यार बेब, तू नहीं समझ रही, तू माँ है ना, माँ को अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं। अच्छा ठीक है, तुझे मेरी बात पे विश्वास है ना, तो तू उनसे पूछ ले, नैनपी से। अच्छा ठीक है, तेरे लाला अंकल से पूछ ले। अच्छा हनुमान अंकल। तू रहने दे बेब, यार ये सब बोल लीजिए यार, तुम लोगों को नहीं समझ में आता, तुम्हारा टेस्ट डिफरेंट है यार, हमारा डिफरेंट स्टाइल है, यू वोंट अंडरस्टैंड यार। हाँ वो तेरा वो मक्खन सिंह बड़ा समझता है। नहीं तू भी ना क्या बेकार में उसकी बातों में आकर इतना डिसअपॉइंट हो रही है। हाँ मेरे सामने आ जा ना, तो थप्पड़ी मारूं मैं उसको। और तू तो इतनी बातें भी क्यों करती है उससे? हाँ वो लड़का है, उसे ना दूर आकर इतनी बातें बातें मत क्या। और किससे बात करूं बे? एक प्रीति थी मेरी फ्रेंड, उसने भी झगड़ा कर लिया, वो भी बात नहीं करती अभी। एंड यू स्टीरियोटाइप पीपल, क्या लड़कों से बात मत किया करो। और किससे बात करूं, लड़कियां बात नहीं करती, और किसी को कॉलेज में जानती नहीं हूं मैं, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। स्कूल में तो सब मुझे स्टाइल दीवा बुलाते थे, कॉलेज में कोई मेरा स्टाइल अप्रिशिएट नहीं करता। तुझे पता है कितना ऑकवर्ड लग रहा था मुझे इन कपड़ों में आज वहां जाकर? एकदम एकदम सही कहता है मैं कि एकदम एकदम टॉम बॉय बोरिंग कपड़े मेरे, एकदम स्कूल टाइप के। अरे इतने अच्छे कपड़े तो है मिनी, तो बेकार में इतना टेंशन ले रही है। तूने तो कहा था कि लेटेस्ट फैशन है। हाँ वो तब का था, 3-4 महीने पहले, पता नहीं जब स्कूल में थी। तू नहीं समझते यार बे, हर 3 महीने में फैशन बदलता है। चल उठ, चल उठ, हम बाजार चलते हैं, तेरे लिए नए कपड़े खरीद के लाते हैं, चला जा। क्या हुआ? नहीं यार, मुझे पता हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस, इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ मैं और इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ कि ऐसे टाइम पे तेरा ऐसे फालतू का खर्चा करा दूँ। नहीं मिनी ऐसी बात नहीं है, पैसे हैं मेरे पास, तुझे पता है ना 1.5 महीने की सैलरी मिली थी, हो जाएगा मैनेज। रहने देना यार बेब्स, क्यों ऐसे फालतू का खर्चा करें हम, लेट्स सेव ना। और आई एम सॉरी, मैंने इतना इतनी सारी भड़ास तुझ पे निकाल दी अपनी सारी। यार यू अंडरस्टैंड यार, भी प्रीत भी नहीं है मेरे पास, किससे बात करूं मैं, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। मैं फिर तुझसे ही कह सकती हूँ, बट आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं कुछ मिक्स मैच कर लूंगी
तो टेंशन मत ले, स्कार्फ्स। नहीं सर साहब, ये ना इतना आसान नहीं होता है। आप समझ नहीं रहे हो कि किसी भी गिफ्ट की दुकान पे गए और कोई भी गिफ्ट उठा लिया, ये ना बड़ी फीलिंग्स वाली बात होती है, प्यार मोहब्बत की, समझे? सही कह रहा लाला भाई, ये फीलिंग्स का मामला है। हाँ? अब ये लव शव का मामला ना मेरे पल्ले ना पड़ता भाई। पर ऐसे थोड़ी है। हटिए हटिए हटिए, दरवाजे के सामने से हटिए। अरे कोई है बाहर, दरवाजे से हटिए आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मुन्ना। मंगा जी आइए आप लोग अंदर। इसकी पूछ बंद ने तो आवाज ही ना सुनी भाई घंटी की। वो मैंने मना किया था घंटी बजाने के लिए, इसलिए फोन पे बात हुई हमारी। आइए आप अंदर आइए धीरे से। हाँ वो उधर उधर कॉर्नर पे रखना है। ये लीजिए मैडम जी, ये कुछ डिजाइन है और ये फैब्रिक जैसे कि आपने मंगाए थे। मैंने कुछ एक दफ्ती के कागज पर भी मार्किंग कर ली है, आप उन पर कपड़े रखकर काट लीजिएगा। अच्छा कितना हुआ इसका? ये रसीद रख लीजिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू मुन्ना, थैंक यू मंगत भाई। मैं आपने के लिए कुछ चाय पानी। नहीं नहीं मैडम जी, हमें देरी हो रही है, हम निकलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। लाला इनसे पूछिए सबकी क्या जरूरत थी घर में। क्या जरूरत थी इसकी? लाला ऐसा तो नहीं है कहीं ये चोरी की मशीन हो और पुलिस वाले के घर के अंदर लाके चोरी की मशीन छिपाने का इरादा हो इन लोगों का कहीं? नहीं वो लाला भाई साहब अपने सर साहब को बता दीजिए कि चोरी तो मैंने की है पर मशीन की नहीं, मिनी से चोरी कर रही हूँ मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.